इस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस करने हैं <coughs> okay, so, तो ये है जी मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर का ग्राफ विद रेफरेंस टू वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर है और उसमें यह दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहता है वैसे वैसे मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ता रहता है ठीक हो गया और बहुत थोड़ा वॉल्यूम बढ़ने से बहुत ज्यादा मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ जाता है सो so, जो रेड लाइन है ये नॉर्मल है ठीक है अब अगर एक नॉर्मल बंदा है उसमें हम सिंपथेटिक स्ट्रॉन्ग सिंपथेटिक स्टेमुलेशन कर देंगे तो उसका ग्राफ लेफ्ट मूव कर जाएगा लेफ्ट पे किस तरह मूव कर जाएगा लेफ्ट पे इस तरह मूव कर जाएगा कि फॉर इंस्टेंस ये है फोर थाउजेंड एम एल इनके फोर लीटर्स फोर लीटर्स पे कितना मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बिल्कुल थोड़ा जीरो के आसपास और वही फोर थाउजेंड मिली लीटर्स पे फोर लीटर्स पे सिंपथेटिक डिस्चार्ज के साथ कितना है सिक्स लीटर्स सॉरी सिक्स मिली मीटर के ठीक है सो दिस इज सिंपल और अगर कंप्लीट सिंपथैटिक इनहिबिशन कर देंगे तो फिर ग्राफ विल मूव टूवर्ड्स राइट ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन ग्रेटर इज द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर डा सा सिंपल ग्राफ है ना लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट वन वीनस रिटर्न का ग्राफ हमने पढ़ाया जी लेफ्ट सॉरी एक्स एक्सिस पे राइट एट्रियल प्रेशर है आपको पता है कि जैसे जैसे वीनस रिटर्न बढ़ता रहेगा सॉरी जैसे जैसे राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वीनस रिटर्न कम होता रहेगा नॉर्मल कितना होता है राइट प्रेशर जीरो तो जीरो पे हम देखते हैं कितना फाइव मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी फाइव लीटर्स पर मिनट सॉरी जीरो मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे फाइव लीटर्स है वीनस रिटर्न वो तो जैसे जैसे जीरो से आगे जाएगा वन टू थ्री फोर तो साथ साथ वीनस रिटर्न ड्रॉप करता जाता है और करते 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 जब राइट एट्रियल प्रेशर मीन सामिक फिलिंग प्रेशर जितना हो जाएगा बच इज सेवन मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो वीनस रिटर्न मुकम्मल यहां पे आके स्टॉप कर जाएगा जब राइट एट्रियल प्रेशर मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर के इक्वल हो जाता है विच इज सेवन मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो वहां पे आके वीनस रिटर्न बिल्कुल जीरो हो जाता है ठीक है इस ग्राफ में इन्होंने हिसाब लगाया कि जी कितना राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाए तो वीनस रिटर्न जीरो होता है तो यहाँ के इस पॉइंट पर लगता है अच्छा यानी कि सेवन मिलीमीटर मर्करी अगर राइट एट्रियल प्रेशर, प्रेशर हो जाए तो वीनस रिटर्न जीरो हो जाता है और हमने पहले डिस्कस किया था कि राइट एट्रियल प्रेशर जिस पे कि वीनस रिटर्न जीरो हो ट राइट एट्रीय प्रेशर इज इक्वल टू मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इसलिए जहां पर भी ये ग्राफ रिटर्न का जाके एक्सएक्स को टच करेगा वो बेसिकली मीन सिस्टेमिकेशर की वैल्यू भी उतनी ही होती है, है तो यह राइट एट्रियल प्रेशर का ग्राफ नहीं है ये राइट एट्रियल प्रेशर की ही वैल्यूज लिखी हुई है मगर जहाँ पे टच करेगा मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर उस राइट एट्रियल प्रेशर के इक्वल होता है ठीक हो गया तो यह है जी आपका सिंपल वीनस रिटर्न और यहाँ पे आपको पता है कि माइनस टू ये जीरो है ये माइनस फोर है तो माइनस टू यहाँ पे से एंटर पर सेन्टर आएगा माइनस टू के बाद ग्राफ फिर तकरीबन फ्लैट हो जाता है फिर फर्दर वीनस रिटर्न इंक्रीज नहीं करती सो so, इस ग्राफ का क्या है जी ग्रेटर द राइट इटल प्रेशर लेसर इज द वीनस रिटर्न ठीक हो क्या अच्छा आगे चलते हैं अब ये वही वीनस रिटर्न ग्राफ है डिफरेंट मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर से मिसाल के तौर पर यह एक नॉर्मल बंदा है रेड ग्राफ इसका आ रहा है नीचे ठीक है।, है और ये यहाँ पर टच कर रहा है प्लस सेवन पे मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर अब अगर इस बंदे के अंदर हम फ्लोइड लगा दें ढेर सारा सा या इसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए किसी भी वजह से तो क्या होगा इसका मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा इसका वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा ठीक है तो ये ग्राफ कहाँ पर चला जाएगा ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही ये ग्राफ इसी बंदे को अगर हमने फ्लोइड लगा दिया तो उसका वीनस रिटर्न ये फाइव सिक्स से बढ़ के ये चला गया टेन टेन से भी ऊपर चला गया एलेवन ट्वेल्व के पास पहुँच गया तो जब यहाँ पे पहुँच गया तो वीनस रिटर्न भी बढ़ गया और जब हमने फ्लूड लगाया था तो इसका मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर की वैल्यू यहाँ की बजाय ए यहाँ पे आ जाएगी तो सिंपली अगर बंदे में हम अगर हम इसको सिंपल इस ग्राफ को स्टडी करना हो तो इसको हम सिंपल कहेंगे भाई एक बंदे के अंदर आपने फ्लूड लगा दिया तो उसका ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल प्रेशर पर कितना है जीरो आर टी प्रेशर पर कितना होगा इसका अराउंड टेन लीटर्स पर मिनट फाइव से टेन लीटर्स पर मिनट पे पहुंच गए ठीक हो गया और फिर यहां पे जाके इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं जी यहां पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट तो इसका मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर भी बढ़ गया वो प, अगर किसी बंदे के अंदर हम फ्लोइड लगा देंगे तो उसका मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर डेफिनेटली बढ़ जाएगा ना मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर उसका बढ़ के कोई सेवन से एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन हो जाएगा तो यहाँ पे कोई फोर्टीन हो गया मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर तो अब राइट एट्रियल प्रेशर को जब तक राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ के फोर्टीन तक नहीं होगा तब तक वीनस रिटर्न जीरो नहीं होगा ठीक गया हो तो ये भी सिंपल है सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग में वही दो तीन पॉइंट है ग्राफ्स के अंदर बहुत ज्यादा ना फंसना अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो ग्राफ के बगैर भी आपका काम चल जाएगा इंक्रीज इन मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इज इक्वल टू वीनस रिटर्न

आगे चलते तो हैं अच्छा जी अगला ये ग्राफ है जी जिसमें के रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न के बारे में बेसिकली बताया हुआ है ये नॉर्म ये वही है वीनस रिटर्न का ही ग्राफ है यहाँ पर राइटेटल प्रेशर ही दिया हुआ है इसके अंदर और ये आपका नॉर्मल है ये जी राइटल प्रेशर बढ़ रहा है और वीनस रिटर्न कम हो रहा है ओके के और यहाँ पर मीनिक फिलिंग प्रेशर एट है अब ये नॉर्मल बंद है इसकी रजिस्टेंस हमने बढ़ा दी है

ग्राफ की फॉर्म में नहीं करना आपने वैसे सोचना जस्ट छोड़ो है ग्राफ कोई नहीं है अब मैं आपसे वैसे पूछूँ फार्मूला पे जाओ और अपने कॉन्सेप्ट जाओ जो, जो पिछले लेक्चर में हमने बनाया था अगर मैं आपसे कहूँ कि रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न हमने बढ़ा दिया तो फार्मूला में नीचे वाली साइड पर आता था ना और लफ्सों से इसके लफ्स इसकी वर्डिंग से ही पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न कुछ कोई चीज़ रेजिस्ट कर रही है वो अगर हम बढ़ा देंगे तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा सिंपल ठीक हो गया अब रिटर्न रेजिस्टेंस टू रिटर्न हमने काम कर बढ़ा दिया है तो उसका मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर से क्या ताल्लुक ठीक है मीन स्टैमिक फिलिंग प्रेशर तो वही रहेगा क्योंकि मीन स्टेमिक फिलिंग प्रेशर का ताल्लुक तो ब्लड वॉल्यूम से और वेसल वॉल डायमीटर से और रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न का ताल्लुक ना ब्लड वॉल्यूम से ना वेसल वॉल डायमीटर से है ठीक है ये जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन है उससे उसका ताल्लुक नहीं है इसका ताल्लुक है कि अगर कोई बाहर से कोई चीज़ कॉम्प्रेस कर रही है इसको या कोई नेगेटिव प्रेशर उसको उसका उसका डायमीटर बढ़ा दे नॉट द टिपिकल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली वेजो डायलेशन वेजो कॉन्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस टू विनस रिटर्न के अंदर नहीं आती वो पैरफ्रल रेजिस्टेंस के अंदर आती है तो इन दो कॉन्सेप्ट को कन्फ्यूज़ नहीं करना इसमें सिंपली ये है कि रेजिस्टेंस टू विनस रिटर्न कब बढ़ती है जब कोई मेजर वेंस कंप्रेस हो रही हूँ आपने ये नहीं कहना कि वेजो कॉन्स्ट्रक्ट हो रही है आपने कहना कंप्रेस हो रही हूँ

दूसरा ग्राफिक हमने देखा था कार्डिक आउटपुट कर्व कि राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है और कार्डिक आउटपुट बढ़ रही है ये क्या बात है राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है तो वीनस रिटर्न कम हो रही है ओके राइट एट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ रही है ये भी ओके अलग अलग देखें तो इट मेक सेंस मगर हमने तो ये नहीं डिस्कस किया था कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू वीनस रिटर्न एंड वीनस रिटर्न इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट तो ये क्या बात हुई एक का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो एक का ग्राफ नीचे आ रहा है तो यस ऐसी ही है अब हम इन दोनों ग्राफ्स को हम इकट्ठे प्लॉट कर लेते हैं सो ये आपका हो गया कार्डिक आउटपुट वाला कव कि राइट एट्रियल प्रेशर के बढ़ने से कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है और ये आपकी होगी वीनस रिटर्न की कव कि वीनस के राइट एट्रियल प्रेशर के बढ़ने से वीनस रिटर्न कम हो रहा है तो कहेंगे ये क्या बात हुई ये दोनों तो उल्टी बातें हो गई तो आपको जो पॉइंट पता है वो आपको पॉइंट पता है कि वीनस रिटर्न इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट ठीक है इस पूरे ग्राफ में ऐसा कौन सा एक पॉइंट है कि जहां पे वीनस रिटर्न इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट दिस इज द पॉइंट इस पॉइंट पे वीनस रिटर्न भी फाइव लीटर्स पर मिनट है और कार्डिक आउटपुट भी फाइव लीटर्स पर मिनट है तो दिस इज द मेन नॉर्मल पॉइंट दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये तो हमने हाइपोथेटिकल ग्राफ्स बनाए थे ना डिफरेंट एट्रियल प्रेशर्स पे ठीक है मगर ये दोनों जिस एक पॉइंट पे को इंसाइड करेंगे वो वाला फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग का पॉइंट है ना ठीक है मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें फोर कर दूं राइट एट्रियल प्रेशर तो फोर पे कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा और वीनस रिटर्न भी कम होगा तो ये पॉइंट बन जाएगा ठीक है तो दिस इज़ ट्रू के राइट एट्रियल प्रेशर कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है और राइट एट्रियल प्रेशर का बढ़ना वीनस रिटर्न को कम करता है दिस इज ट्रू मगर एक ऐसा पॉइंट है कि जिस जिसपे वो राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न एक जैसे सिमिलर होंगे तो ये आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पॉइंट है इस पर क्या होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली क्या होता है राइट एट्रियल प्रेशर जीरो होता है तो इसमें जीरो जीरो है बिल्कुल जीरो है और वीनस रिटर्न और एक आउटपुट कितने होते हैं दोनों फाइव होते हैं सो दिस इज द परफेक्ट पॉइंट तो आपने देखना है कि बेसिकली ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पर जाके टकरा रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वीनस रिटर्न कितना है कार्डेड आउटपुट कितना है और राइट एट्रियल इत्री प्रेशर कितना है फॉर इंस्टेंस मैं आपको कंडीशन अगली स्लाइड से वो आती है अगर मैं ये नॉर्मल बंदा है इसके अंदर आपने सोचना है आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो अगर इसके अंदर मैं ब्लड वॉल्यूम इसका बढ़ा दूं तो क्या होगा कौन सा ग्राफ कहां पे मूव करेगा कार्डिक आउटपुट कर्व मूव करेगी या वीनस रिटर्न कर्व अपनी जगह से मूव कर जाएगी अगर मैं इस बंदे को ब्लड वॉल्यूम लगा दूं ढेर सारा ब्लड लगा दूं ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दूं तो आपको पता है कि ब्लड वॉल्यूम ढेर सारा लगाने से क्या होता है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ता है जब मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ता है तो वीनस रिटर्न भी बढ़ जाता है तो ये वीनस रिटर्न का जो ये आ रही है और यहाँ पे जाके टकरा के मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बना रही है ये पूरी की पूरी ऊपर मूव कर जाएगी जस्ट लाइक दिस ये ऊपर चला गया पूरा ग्राफ यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया ये कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किया तो ये यह ग्राफ यहाँ से मूव करके वीनस रिटर्न का यहाँ पे चली गई है अब ठीक है और ये जाके कहाँ पे टकरा रही है यहाँ पे इतना ब्लड वॉल्यूम लगाया था कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर सिक्सटीन मिलीमीटर ऑफ मर्करी बन गया सिक्सटीन मिलीमीटर ऑफ मरकरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर क्योंकि थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम लगाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर ठीक है अब कार्डिक आउटपुट कर्व तो यही रहेगी कार्डिक आउटपुट कर्व को नहीं छेड़ेगा ब्लड वॉल्यूम मगर अब हम नया इक्विलिब्रियम पॉइंट देखते हैं वेयर अब इस पूरे ग्राफ में और इस पूरे ग्राफ में ऐसा कौन सा एक पॉइंट है कि जहां पे कार्डिक आउटपुट कर्व और वीनस रिटर्न कर्व कौन साइड करें तो वो पॉइंट बनता है ये वाला पॉइंट सो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वीनस रिटर्न भी टेन मिल टेन लीटर्स पर मिनट है और कार्डिक आउटपुट भी टेन लीटर्स पर मिनट है और राइट एट्रियल प्रेशर कितना है राइट एट्रियल प्रेशर तो ज़ीरो से बढ़ के आगे आ गया, गया कोई वन मिलीमीटर ऑफ मर तक पहुंच गया अच्छा सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर हम एक बंदे को ब्लड वॉल्यूम लगा दें इंक्रीज़ कर दें उसका ब्लड वॉल्यूम या कोई फ्लोइड लगा दिया ब्लड लगा दिया या किसी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया तो उसका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा ये उसका रिटर्न दोनों एक जगह और उसका राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा तो, <coughs> तो अगर हम एक बंदे को करते हैं, तो उसका रिटर्न भी और उसका कर एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा अब आप ग्राफ के अलावा वैसे ही सोचो कि अच्छा ब्लड हमने लगा दिया है तो वीनस सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ गया तो वीनस रिटर्न भी बढ़ गया ठीक है वीनस रिटर्न बढ़ता तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है ठीक है जबरदस्त और राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ब्लड वॉल्यूम लगाने से तो वो भी बढ़ेगा क्योंकि ढेर सारा ब्लड जा रहा है इनटू तो द राइट एट्रियम तो उसका राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा ढेर सारा ब्लड लगाने से सेकंड अब दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करने लगा अगली स्लाइड से कि अगर सिम्प इसमें तो इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम किया था ना अब दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं सिंपैथेटिक ढेर ढेर सारा एक नॉर्मल बंदा है जिसका ये नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व है और ये नॉर्मल वीरस रिटर्न कर्व है उसको ढेर सारा सिंपथेटिक डिस्चार्ज दे दें दे तो क्या होगा सोचो क्या होगा नंबर no. वन अगर उसको हम सिंपथेटिक डिस्चार्ज लगा ढेर सारा दे, दे, दे देंगे तो क्या होगा नंबर no. वन उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी जब उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो उसका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा ठीक है कार्डिक आउटपुट कर्व में आपको याद है कार्डिक आउटपुट कर्व के साथ क्या होता था कि जब सिम्पथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाता था हाइपर इफेक्टिव हार्ट जब हो जाता था तो क्या होता था कार्डिक आउटपुट कब ऊपर मूव कर जाती थी तो आगे मैं अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कार्डिक आउटपुट कब ऊपर मूव कर जाएगी सिम्पथैटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होने से अच्छा तो वीनस रिटर्न कर्व के साथ क्या होगा अच्छा जब सिंपथैटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो ब्लड वेसल्स की टोन ज़्यादा हो जाती है वैसल वॉल डायमीटर कम हो जाएगा जब वैसल वॉल डायमीटर कम हो जाएगा तो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा अच्छा तो इट मीन्स कि सिंपथेटिक डिस्चार्ज ज्यादा होने से वीनस रिटर्न कर्व भी ऊपर जाएगी और कार्डिक आउटपुट कर्व भी ऊपर जाएगी जस्ट लाइक दिस गाइड में ग्राफ दिया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ सिंपथेटिक स्टिमुलेशन ऑन कार्डिक आउटपुट कर्व ठीक है अब यह बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई समझ नहीं आती इसके लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं यह हमारे पास पहले नॉर्मल ये था वीनस रिटर्न ये वाला और ये वाला था कार्डिक आउटपुट कर्व यह कार्डिक आउटपुट कर्व सिंपथेटिक डिस्चार्ज से ऊपर की तरफ मूव कर गए ऊपर की तरफ मूव कर दिए हमने पहले पढ़ा था कार्डे आउटपुट का कर्व हाइपर इफेक्टिव हार्ट में ऊपर मूव कर जाती है ये ऊपर मूव करके ये न्यू कार्ड आउटपुट का कर्व हो गई और वीनस रिटर्न कर्व चूंकि टोन ज्यादा होने से मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ाया तो तो वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा तो ये वीनस रिटर्न कव भी प्रशर चली गई तो आर द टू न्यू कर्व ये कर्व और ये कर्व ये सिंपथेटिक डिस्चार्ज से ये दो कर्व्स हैं ये वाली कर्व और ये वाली कर्व दोनों कर्व्स ऊपर मूव कर गए पहला इक्विलेब्रियम पॉइंट था ये अब नया इक्वलिब्रियम पॉइंट है ये यानी कि वीनस रिटर्न भी बढ़ गया टेन से ज्यादा हो गया और कार्डिक आउटपुट भी टेन से ज्यादा हो गई बाय सिंपथैटिक डिस्चार्ज बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज राइट एट्रियल प्रेशर को क्या होता है राइट एट्रियल प्रेशर इज सिल स्टिल द सेम ये ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं राइट एट्रियल प्रेशर इज स्टिल एग्जैक्टली द सेम तो इंटरेस्टिंग डिफरेंस हो गया है ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने से और सिंपथेटिक डिस्चार्ज करने से दोनों में ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने से भी और सिंपथेटिक डिस्चार्ज से भी दोनों में कार्डिक आउटपुट भी बढ़ी है और वीनस रिटर्न भी बढ़ा है मगर सिंपथेटिक डिस्चार्ज में राइट एट्रियल प्रेशर सेम रह रहा है नॉर्मल जबकि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा करने से राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया था दिस इज द डिफरेंस दिस इज मतलब हाई काफ़ी डिफिकल्ट एम होगा अगर इस तरह करके कोई एम पूछे या कोई सवाल बनाए या कोई वायु में पूछे तो इट बड़ी डिफिकल्ट ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है कार्डिक आउटपुट सिंपथैरिक डिस्चार्ज से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है रिटर्न बढ़ता है बट राइट एट्रियल प्रेशर सेम रहता है अब इसको ग्राफ के अलावा आप वैसे सोचो कि क्या होना चाहिए तो आप सोचोगे जी सिंपथैरिक डिस्चार्ज ज़्यादा है तो कार्डिक आउटपुट तो बढ़ेगी फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन बढ़ जाएगी हार्ट की अच्छा सिम्पथैरिक डिस्चार्ज ज़्यादा है तो टोन बढ़ती है ब्लड वेसल्स की मीन स्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ेगा विना रिटर्न भी बढ़ना ही चाहिए और राइट एट्रियल प्रेशर को क्या होना चाहिए राइट एट्रियल प्रेशर तब बढ़ता है जब राइट एट्रियल प्रेशर के अंदर पुलिंग हो ब्लड की हार्ट तो जबरदस्ता कॉन्ट्रैक्ट कर करके ब्लड को आगे भेजी जा रहा है तो राइट एट्रियल प्रेशर तो बढ़ने का चांस ही नहीं है इन दिस केस ठीक हो गया तो हम इसको ग्राफ के बगैर भी उस तरह भी प्रोसेस कर सकते ठीक हो गया अब ये जो था सिंपथैट डिस्चार्ज वाला ग्राफ वो गाइडन में कुछ इस तरह दिया हुआ है कि ये नॉर्मल है मॉडरेट सेथ डिस्चार्ज में ऊपर चला गया है मैक्सिमम में और ऊपर चला गया है बट सारों के पॉइंट्स में एक एक ही लाइन में आ रहे हैं राइट एटल प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ा जो दूसरा ग्राफ था ये वाला आ, ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है गाइटन में किस चीज़ के लिए इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के लिए कहते हैं जी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है तो क्या होता है ये कव मैंने तो यहाँ तक तो कव बनाई थी ना आपको समझाने के लिए उसने कव बहुत आगे ले गया है कव इतनी आगे ले गया है कव दिस इज द न्यूक्लियम पॉइंट कि कार्डिक आउटपुट भी रेस कर गया है ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से वी एस रिटर्न भी रेस कर गया ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से और ये राइट एट्रियल प्रेशर नीचे नीचा साइड करेंगे यहाँ पे राइट एट्रियल प्रेशर भी काफ़ी आगे चला गया काफ़ी बढ़ गया और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर भी बढ़ गया ठीक हो गया तो ये थोड़ा से कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स हैं फिर इसकी आगे वो रीजनिंग थोड़ी सी देता है कि जब ब्लड वॉलीम बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना तो कहता है कि ब्लड वॉलीम बढ़ने से ना रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न भी कम हो जाती है क्यों क्योंकि ब्लड वेसल्स थोड़ी सी डिस्टेंड कर जाती हैं तो अगर कोई बाहर से कंप्रेस कर रहा है तो वो कंप्रेशन भी खत्म हो जाती है तो ब्लड वेसल डिस्टेंड कर जाती है ठीक है तो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा आपकी जो है वीनस uh, रिटर्न का वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है विच मेक सेंस ठीक है फिर ये कहते हैं कि नहीं फिर सारा जो मैकेनिज्म है ना जब हम ब्लड वॉल्यूम लगाते हैं ढेर सारा बंदे के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ठीक है मीन सिस्टमिक फेलिंग प्रेशर भी बढ़ गया ठीक है विनस रिटर्न भी बढ़ गया ठीक है कार्डिक आउटपुट भी बढ़ गया ठीक है रेजिस्टेंस टू विनस रिटर्न भी एक दफ़ा कम हो गई मगर क्या है सारे मैकेनिज्म की कोई कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो जाएंगे मिसाल के तौर पर जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से अगर आप कैपिलरी फ्लोइड डायनामिक्स की तरफ जाएँ तो उससे कैपिलरी प्रेशर भी तो बढ़ता है ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से और जब कैपिलरी प्रेशर बढ़ता है तो ढेर सारा फ्लूड बाहर निकल जाएगा तो जो जब भी आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है तो फ्लूड बाहर नहीं निकल जाता ब्लड वेसल से तो जब ब्लड वॉल्यूम दिया तो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा तो उससे कुछ ना कुछ फ्लूड ट्रांस्यूडेट करके बाहर निकल गया कैपिलरी से तो फिर ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आना शुरू हुआ दूसरी बात है जी कि जब भी वेंस के ऊपर आप अंदर से प्रेशर डालें यानी कि ब्लड वॉल्यूम थे ढेर सारा दिए तो वेन्स तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन करके भी तो कंपनसेशन कर लेती हैं उस ढेर सारे नए वॉल्यूम को अकोमोडेट करने के लिए और जब स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो जाएगी तो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर फिर गिर जाएगा यानी कि उधर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा उधर से ब्लड वेसल्स रिलैक्स कर गई ब्लड वैसल रिलैक्स कर गई तो प्रेशर बढ़ाए नहीं मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर फिर कम हो गया और फिर है जी के अ, जो पेरीफ्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न नहीं पैरिफ्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ब्लड वॉल्यूम आपने लगाया है आगे जाके टिश्यूज़ को इतना ब्लड वॉल्यूम चाहिए नहीं टिश्यू कहेगा भाई इतना ब्लड वॉल्यूम अपने पास ही रखो वो टिश्यूज की जो ब्लड वैसेंस है वो वे कंस्ट्रक्ट कर देंगे ठीक है तो वो भी कंपलसीशन कर देगा तो एक कंपल्सिटरी मैकेनिज्म भी इसके अंदर आ जाते अच्छा अब ये हमने यहाँ पर सारा टॉपिक खत्म कर दिया है वीनस रिटर्न वाला और कार्डिक आउटपुट का उस वाला। ये वाला जो मैंने ये वाला जो पार्ट था ये बहुत ज्यादा ग्राफ्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा था क्योंकि गाइडन में सारे दिए हैं ठीक है स्टिल अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट ग्राफ्स के बगैर ही समझ आ गए तो इट्स फाइन बट बेसिक एक ये वाला ग्राफ आपको जरूर आना चाहिए कि जिसमें कि कार्डिक आउटपुट कर्व और बेसिक वीनस रिटर्न कर्व और ये कौन साइड जहाँ पे करती हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये आपको लाजमन पता होना चाहिए और बाकियों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम आपका चल जाएगा ठीक है जी So, this is it. This was Cardiac Output Curves and Venus Return Curves. See you in next.